जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील में पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त निरीक्षक कमल सिंह उइके ने बताया कि ग्राम अकोला निवासी भोजलाल ने जबलपुर लोकायुक्त में शिकायत दी थी कि किरनापुर तहसील के खंड पंचायत अधिकारी ने उसे सेवा समाप्ति की धमकी देकर उससे 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफा कार्रवाई करते हुए आवेदक भोजलाल खुलाते शिकायत को दबाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसके तहत आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई नगद जो ट्रैप राशि है 10,000 रुपये शिकायतकर्ताओं द्वारा जो शिकायत की गई थी सरपंच पति के खिलाफ, उसी शिकायत पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उसी शिकायत को दबाने के लिए आवेदक से ही रिश्वत की मांग की। बताया जा रहा है कि भोजलाल ने सीईओ से शिकायत की थी कि सरपंच के द्वारा उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिस पर सीईओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी और उसी समिति में शामिल छगन लाल ने भोजलाल को ही धमकाकर उससे रुपए ऐंठने का प्रयास किया, लेकिन लोकायुक्त ने उसे दबोच लिया।